हेलो एवरीवन, माइक्रोबायोलॉजी विद सुमी में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। आज का हमारा वीडियो है एक इंफॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, और ये इन्फॉर्मेशन आपके बहुत काम आएगी, स्पेशली आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स की वाइवा में और एंट्रेंस एग्जाम में। अगर आप मास्टर्स या बैचलर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रही हूँ वो आपको आपके एंट्रेंस एग्जाम में MCQs की तरह बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से वो लोग पूछ सकते हैं, या फिर जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं उसमें वाइवा में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं दे रहे हैं या फिर अगर आप कोई वाइवा भी नहीं दे रहे हैं, फिर भी ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे रही हूँ ये आपको आपके डे टू डे लाइफ में, जो आप आपके लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला है न्यूट्रिएंट मीडिया। न्यूट्रिएंट मीडिया आर द सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर फूड एंड सर्वाइवल। तो जैसे हमें पता है कि न्यूट्रिएंट मीडिया में हम ऐसे सब्सटेंसेस देते हैं और उस न्यूट्रिएंट मीडिया में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनोकुलेट करते हैं, और इस न्यूट्रिएंट मीडिया की मदद से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं और वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब जनरली न्यूट्रिएंट मीडिया होते हैं चार टाइप के: सिलेक्टिव मीडिया, एनरिच्ड मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया और डिफरेंशियल मीडिया। तो यहाँ पर मैं आपके साथ उन मीडिया के एग्जाम्पल्स शेयर कर रही हूँ। सबसे पहला है एग्जाम्पल्स ऑफ सिलेक्टिव मीडिया: मैकोंकीस अगार, ईओसी मिथिलीन ब्लू अगार, डीऑक्सी कोलेट साइट्रेट अगार, विल्सन एंड ब्लेयर्स अगार, मैनिटोल सॉल्ट अगार एंड थेयर मार्टिन्स अगार। आपको बस ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से ध्यान में रखनी है अगर आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। अगर आपको सही आंसर पता होगा तो आपको बाकी ऑप्शंस के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप इन्फॉर्मेशन ध्यान से सुनिएगा। दूसरे एग्जाम्पल्स है एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया में आते हैं हार्ट इन्फ्यूजन ब्रॉथ, ट्रिप्टोन सोया ब्रॉथ, ब्लड अगार और चॉकलेट अगार। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल मीडिया: ब्लड अगार, मैकोंकीस अगार, ईएमबी अगार, इंडो अगार एंड मैनिटोल सॉल्ट अगार। मैंने मेरे चैनल पर वीडियोस अपलोड किए हैं मीडिया कॉम्पोजिशन के। अगर आप किसी भी मीडिया का कॉम्पोजिशन जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर वहां पर मीडिया कॉम्पोजिशन सर्च कीजिए, आपको वहां पर ये इसके डिटेल्स मिल जाएंगे। आगे है विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया इज हाईली सिलेक्टिव मीडिया यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला स्पेसिस एंड अदर एंटेरिक बैसिलाई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि विल्सन एंड ब्लेयर मीडिया का मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि वो एक हाईली सिलेक्टिव मीडिया है, स्पेशली डिजाइन किया गया है आइसोलेशन ऑफ साल्मोनेला स्पेसिस और बहुत सारे एंटेरिक बैसिलाई के लिए। अमाइनो एसिड डी कार्बोक्सिलेशन मीडिया इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एंटेरोबैक्टेरियसी फैमिली। जब हमें एंटेरोबैक्टेरियसी फैमिली की कोई भी स्पीसीज को आइसोलेट करना होता है तो उसके लिए एक स्पेशली डिजाइन किया गया मीडिया है, और वो है अमीनो एसिड डीकार्बोक्सिलेशन मीडिया। अब आगे देखते हैं डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ एंटेरिक पैथोजन शिगेला एंड साल्मोनेला। अब जब हमें शिगेला और साल्मोनेला को आइसोलेट या फिर कल्टीवेट करना होता है तब हम यूज करते हैं डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगार। आगे है मैनिटोल सॉल्ट अगार। मैनिटोल सॉल्ट अगार इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैफिलोकोकस ऑरियस। तो जब हमें स्टैफिलोकोकस को आइसोलेट और आइडेंटिफाई करना होता है तब हम यूज करते हैं मैनिटोल सॉल्ट अगार। उसके बाद है ब्लड अगार एंड चॉकलेट अगार इज यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीमोलाइटिक बैक्टीरिया। अब हम फॉर एग्जाम्पल किसी बैक्टीरिया को हमने आइसोलेट कर लिया तो हम बहुत सारे बायोकेमिकल टेस्ट करते हैं, साथ ही उसकी हम हीमोलाइसिस भी टेस्ट करते हैं। अब हीमोलाइटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं कि वो बैक्टीरिया जो ब्लड सेल्स को लाइस करे, मतलब जो ब्लड सेल्स को ब्रेक डाउन करे,
हीमो मीन्स ब्लड और लाइटिक मीन्स लाइसिस। ऐसे बैक्टीरिया जो ब्लड सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं उन बैक्टीरिया को कहा जाता है हीमोलाइटिक बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए यहाँ पर ब्लड अगार और चॉकलेट अगार का यूज किया जाता है। इओसिन मिथिलीन ब्लू अगार इज यूज फॉर आइसोलेशन ऑफ कोलीफॉर्म्स। जब कोलीफॉर्म्स आइसोलेट करने होते हैं तो हम यूज करते हैं इओसिन मिथिलीन ब्लू अगार। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एग्जाम्पल स्टेन्स के। अब आप जानते ही है कि स्टेन एक कलरिंग एजेंट होता है और ये एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर दो ग्रुप्स होते हैं, ऑक्सोक्रोम एंड क्रोमोफोर ग्रुप। अब बेसिकली यहाँ पर तीन टाइप के स्टेन्स होते हैं, बेसिक स्टेन्स, एसिडिक स्टेन्स और न्यूट्रल स्टेन। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डायरेक्टली इस तरह नेकेड आइज से हम नहीं देख सकते, उन्हें हमें पहले तो स्टेन करना पड़ता है, उसके बाद ही हम उन्हें माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तीन टाइप के स्टेन्स हैं, बेसिक स्टेन्स, एसिडिक स्टेन और न्यूट्रल स्टेन। बेसिक स्टेन्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज, वो कैटायनिक होते हैं नेचर में और उनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज। जहां पर एसिडिक स्टेन होते हैं एन आयनिक इन नेचर और उनके ऊपर होता है निगेटिव चार्ज, और न्यूट्रल स्टेन्स न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले तो एग्जाम्पल्स देख लेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ बेसिक स्टेन्स आर मिथिलीन ब्लू, क्रिस्टल वॉयलेट, बेसिक फुक्सीन, मेलाचाइट ग्रीन, सैफ्रानिन, जेंशियन वॉयलेट एक्सेट्रा। ये भी क्वेश्चंस आपको आपके वाइवा में आपको पूछे जा सकते हैं या फिर एंट्रेंस में भी। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक स्टेन। एसिडिक स्टेन में एग्जाम्पल्स हैं निग्रोसीन, इओसीन, कॉन्गो रेड, एसिड फुक्सीन, रोज बंगाल, इंडियन इंक। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, बेसिक स्टेन्स से सेल्स जो होते हैं ना वो हमेशा वॉयलेट कलर के स्टेन होते हैं। ठीक है, जब आप बेसिक स्टेन्स यूज करके किसी भी बैक्टीरियल सेल को स्टेन करेंगे तब आपको वो सेल्स दिखेंगे वॉयलेट कलर के, और जब आप एसिडिक स्टेन यूज करके किसी भी बैक्टीरिया को स्टेन करेंगे तब आपको वो सेल्स दिखेंगे पिंक कलर के। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल स्टेन। रोमनोस की स्टेन, जिम्सा स्टेन, जेनर स्टेन एंड लिशमन स्टेन। बहुत बार वाइवा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गिव मी एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल स्टेन, तब आपको ये नाम ध्यान में रखने होंगे। एंडोस्पोर ऑफ अ बैक्टीरियल सेल कैन बी स्टेन बाय यूजिंग डॉर्नर्स मेथड एंड बार्थोलोम्यूज एंड मिटवर्स मेथड। तो अब वाइवा में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एंडोस्पोर स्टेनिंग के आप मुझे दो एग्जाम्पल्स बताइए, अलग अलग मेथड्स के नाम बताइए, तब आपको ये याद रखना होगा। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब वाइवा में भी आपको ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या फिर एंट्रेंस में भी कि एंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें से कौन सा है। तो आप एग्जाम्पल्स ये ध्यान में रखिए, बैसिलस सीरस, बैसिलस सटिलिस, बैसिलस पॉलीमिक्सा, क्लॉस्ट्रिडियम, बैसिलस मेगाटेरियम, बैसिलस एंथ्राइसिस, स्पोरोलैक्टोबैसिलस स्पीसीस, बैसिलस टीरोथर्मोफिलस। तो ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखिएगा। बैसिलस पॉलीमिक्सा इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पॉलीमिक्सीन। बैसिलस टीरोथर्मोफिलस इज यूज्ड इन कैलिब्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड चेकिंग द स्टरलाइजेशन एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑटोक्लेव। अब सबसे पहले तो बैसिलस पॉलीमिक्सा यूज किया जाता है एंटीबायोटिक पॉलीमिक्सिन के प्रोडक्शन में, और सेकेंडली बैसिलस टीरोथर्मोफिलस जो है, जो एक एंडोस्पोर प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो यूज किया जाता है ऑटोक्लेव के कैलिब्रेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और उसकी एफिशिएंसी चेक करने के लिए। अब आगे है एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सोस्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, मिथिलोसाइनस एंड मिथिलो बैक्टेरियम। उसके बाद है मेथड्स यूज फॉर फ्लैजेला स्टेनिंग। आप जैसे कि जानते हैं कि फ्लैजेला एक लोकोमोटरी ऑर्गन है, और अगर आपको उसे विजुअलाइज करना है माइक्रोस्कोप में तो उसे सबसे पहले तो आपको फ्लैजेला को स्टेन करना पड़ेगा, और फ्लैजेला स्टेनिंग के स्पेशल प्रोसीजर्स हैं, और वो है बेलीज मेथड, लिफ्शंस मेथड, लोफलर्स मेथड, ग्रेज मेथड, सेजर्स मेथड एंड गिल्स मेथड। तो ये नाम आपको याद रखने होंगे।
अब फ्लैजेला के टाइप्स होते हैं, फ्लैजेला के जनरली चार टाइप्स होते हैं, मोनोट्राइकस फ्लैजेला, लोफोट्राइकस फ्लैजेला, एम्फीट्राइकस फ्लैजेला और पेरीट्राइकस फ्लैजेला। मोनोट्राइकस फ्लैजेला होता है सिंगल पोलर फ्लैजेलम, मतलब सेल पर पोलर रीजन पर, मतलब इसके एक पोल पर सिंगल एक फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। और उसके बाद है लोफोट्राइकस फ्लैजेला, टक्स ऑफ फ्लैजेला एट वन और बोथ एंड, मतलब बंच ऑफ फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं एक या फिर दोनों पोलर साइड्स पे, ठीक है। उसके बाद है एम्फीट्राइकस, सिंगल फ्लैजेला ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड पे, दोनों पोल्स के साइड पे एक एक ही फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। और पेरीट्राइकस फ्लैजेला, न्यूमरस फ्लैजेलास आर प्रेजेंट ऑल ओवर द बैक्टीरियल बॉडी, मतलब पूरे बैक्टीरिया के सरफेस पर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया हैविंग मोनोट्राइकस फ्लैजेला, सीडोमोनास एरोजिनोसा एंड विब्रो कोलेरा। एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया हैविंग लोफोट्राइकस फ्लैजेला, विरीपैरा हिमोलाइटिकस, स्पिरुलिनम वोल्यूटेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। अब देखेंगे हम एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया शोइंग एम्फीट्राइकस फ्लैजेला, एक्वा स्पिरुलिनम, सर्पेंस और कैंपाइलो बैक्टर। आगे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया शोइंग पेरीट्राइकस फ्लैजेला, और पेरीट्राइकस फ्लैजेला के एग्जाम्पल्स हैं प्रोटियस वल्गैरिस, इसर्शिया कोलाई एंड सैल्मोनेला। अब आगे बात करते हैं न्यूक्लियर मटेरियल की। न्यूक्लियर मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरिया कैन बी स्टेन बाय यूजिंग जिम्सा स्टेनिंग मेथड, फ्यूजन स्टेनिंग मेथड एंड रॉबिनो स्टेनिंग मेथड। जब आपको किसी बैक्टीरिया का या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल या फिर आप कह सकते हैं न्यूक्लियर मटेरियल ऑब्जर्व करना होता है, तो यहाँ पर स्पेशल टेक्निक्स डेवलप किए गए हैं जिससे कि आपको आपके बैक्टीरिया को स्टेन करना होता है, और उसके बाद ही माइक्रोस्कोप के अंडर आप उस बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको ये एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किन किन टाइप के स्टेनिंग टेक्निक्स आप यूज कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, एंड दे आर एसिडोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक एंड अल्काइलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को कंसिडर करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, और वो है एसिडोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक और अल्काइलोफिलिक। एग्जाम्पल ऑफ एसिडोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्वेश्चंस भी बहुत कॉमन है वाइवा के लिए और एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो ये आपको ध्यान से सुनने होंगे। एसिडोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी पीएच रेंज होती है 1 to 5.5, और उनके एग्जाम्पल्स है सल्फोलोबस, एसिडोकाल्डिरस, थर्मोप्लाज्म, एसिडोफिलस, थायोबैसिलस थायोक्सिडेंस, क्लैमाइडोमोनस एसिडोफिला और थायोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। तो ये एग्जाम्पल्स ध्यान। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द पीएच रेंज ऑफ न्यूट्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम 5.5 to 8.5, तो ये होती है न्यूट्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पीएच रेंज। और यहाँ पर एग्जाम्पल्स में है इसर्शिया कोलाई, लैक्टोबैसिलाई, एसिडोफिलस, स्टाफिलोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। तो ये एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। उसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कैलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। द पीएच रेंज ऑफ अल्कैलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज 8.5 to 14। एग्जाम्पल्स ऑफ अल्कैलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फ्लेवोबैक्टीरिया स्पेसिस, बैसिलस अल्कैलोफिलस, माइक्रोसिस्ट एरोजिनोसा एंड एग्रोबैक्टीरियम स्पेसिस। अब फ्रेंड्स, ये जो आपको मैंने बैक्टीरिया की इंफॉर्मेशन दी है, जो एसिडोफिलिक, न्यूट्रोफिलिक और अल्कैलोफिलिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स यहाँ पर मैंने दिए हैं, ये आप जब आपके लेबोरेटरी में किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करते हैं तो उसका आपको जो ऑप्टिमम पीएच होता है वो जानना बहुत जरूरी होता है। अगर उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर उसका पीएच मिलेगा
तो ही उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑप्टिमम ग्रोथ होगी। तो अगर आप फॉर एग्जांपल स्टाफिलोकोकस ऑरियस को आइसोलेट कर रहे हैं या फिर कल्टीवेट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं न्यूट्रिएंट मीडिया में, तो आपको ये जानना जरूरी है कि उसका उसका पीएच रेंज क्या है, उसकी ग्रोथ पीएच रेंज क्या है। तो स्टाफिलोकोकस ऑरियस को लगता है न्यूट्रल पीएच, तो आप तब वहां पर अगर आपको ये पता होगा तो आप आपके मीडिया का पीएच एडजस्ट कर सकते हैं न्यूट्रल रेंज में, और वहां पर आपको फिर स्टाफिलोकोकस ऑरियस की अच्छी ग्रोथ और आइसोलेशन मिलेगा। अब आगे देखते हैं, द टर्म पीएच दैट इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज क्वाइंड बाय एस पी एल सोरेनसन इन 1909। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। फ्रेंड, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबसे आप कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेनिंग टेक्निक माइक्रोबायोलॉजी में है, और वो है ग्राम स्टेनिंग टेक्निक, जिसे डिजाइन किया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने। और उस स्टेनिंग टेक्निक के बेसिस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, और वो है ग्राम पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ग्राम निगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के, और वो एग्जाम्पल्स है बैसिलस सटिलिस, स्टाफिलोकोकस ऑरियस, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रेशियस, माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज, बैसिलस मेगाटेरियम, बैसिलस सीरियस, क्लॉस्ट्रिडियम एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। तो ये थे एग्जाम्पल्स ग्राम पॉजिटिव। अब है एग्जाम्पल्स ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। तो एग्जाम्पल्स में है इसर्शिया कोलाय, वो है ई कोलाय, एजेटोबैक्टर, सीडोमोनास एरोजिनोसा, सैल्मोनेला, प्रोटीएस वल्गैरिस, मिथानोकोकस स्पीशीज, मिथानोबैक्टीरियम स्पीशीज एंड हैलोकोकस स्पीशीज। अब आपका जो एग्जामिनर है वो आपको किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम लेकर ये पूछ सकता है कि ये ग्राम पॉजिटिव है या फिर ये ग्राम नेगेटिव है, या फिर ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गिव मी फाइव नेम्स ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या फिर गिव मी थ्री नेम्स ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल्स ऑफ यूवी टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस, माइक्रोकोकस रेडियोड्यूरेंस एंड डायनोकोकस प्रोटियोलाइटिक। अब ये हाईली टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और ये यूवी टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, तो आपका एग्जामिनर आपको ऐसे भी पूछ सकता है गिव मी टू एग्जाम्पल्स ऑफ यूवी टॉलरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, तो आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने होंगे। वेवलेंथ ऑफ यूवी लाइट इज फ्रॉम 10 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। आगे है डीएनए एब्जॉर्ब्स वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट दैट इज ऑफ 260 नैनोमीटर। आगे है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब द वेवलेंथ ऑफ 280 नैनोमीटर। अब ये अल्ट्रावायलेट लाइट की वेवलेंथ है जो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और डीएनए मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं। डायनोकोकस रेडियोड्यूरेंस इज लिस्टेड एज द वर्ल्ड्स टफेस्ट बैक्टीरिया इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो ये एक बहुत ही टफ बैक्टीरिया है, हार्श कंडीशंस में, चाहे वो हीट ज्यादा हो या अल्ट्रावायलेट रेज हो, तो ये बहुत ही टफेस्ट बैक्टीरिया है जो सर्वाइव कर जाता है इन सारे कंडीशंस को, इसलिए इसे नाम दिया गया है वर्ल्ड्स टफेस्ट बैक्टीरिया, और ये रजिस्टर हुआ है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में। तो फ्रेंड्स, ये था एक इंफॉर्मेटिव वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।